ईश्वर की भक्ति करते हैं, राम नाम का जाप करते, उसमें हाथ हिलाते रहते हैं, हाथ हिलाते रहे, उसको मिक्स करते रहते करते रहते, वो इस फिल्म में दिखाया जाएगा। तो उससे पी के आप रिपोर्टें ले सकते हैं, इसमें दिखाया नहीं हमने रिपोर्टें वगैरह कुछ नहीं, क्योंकि जरा सा उसका एक सीन आता है और कुछ नहीं है। लेकिन आप रिपोर्टें जब कहें, डॉक्टर साहब को पता है, जितनी रिपोर्टें आप चाहेंगे रिपोर्टें ला देंगे। सेम मरीज का ऐसा था, उसको पिया और ईश्वर की भक्ति की, एक चीज नहीं, ईश्वर की भक्ति की, वो 100% ठीक हुए हैं, ऐसा हुआ है, रियलिटी है ये, रियलिटी। डॉक्टर हैं ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट से, जैसे ये डॉक्टर हैं, ये डॉक्टर नहीं थे, ये भी पत्रकार थे पहले, और फिर जब इनके साथ, इनके फादर के साथ ऐसा कुछ हो गया कि जो ये कल्पना नहीं कर सकते साइंस में, तो फिर वो माने कि ईश्वर शक्ति है। हम पहले कह देते हैं लोगों को, हम आपको कोई गारंटी नहीं देते कि इसको पीने से ठीक होगा, भावना आपकी, करने वाला भगवान, हम तो एक बताने वाले गाइड है। जैसे बुक्स तो होती हैं, अगर टीचर लेक्चरर ना हो तो हम क्या इम्तिहान पास करके डिग्रियां हासिल कर सकते हैं? कभी नहीं कर सकते। उसी तरह एक फकीर बता देता है, तो वो ऐसी चीजें हुई हैं। लेकिन फिल्म में हमने उसको लंबा चौड़ा नहीं दिया, सिर्फ एक कलाकार बोलता है कि इससे ऐसा होता है, पर यह नहीं दिखाया कि हो रहा है या हम ऐसे कुछ कर रहे हैं, ऐसा नहीं। हाँ, कुछ जगहों पर ऐसी चीजें जो की गई हैं, वो सारा के सारा फ्रंट में लिख के आएगा कि ये कल्पनाशील है, स्टंट है, वो तो हर एक फिल्म में होता है। अगर ट्रेन रोक सकते हैं तो आती हुई एक तलवार रोकना कोई बड़ी चीज नहीं है हमें लगता है, तो वो फिल्म की स्टंट है सारे, तो वो चीजें रखी गई हैं। गुरुजी, आपकी फिल्म 13 तारीख को रिलीज हो रही है और 13 तारीख को अशुभ माना जाता है, आप क्या कहते हो? आप बच्चे बैठे हो सारे और आप पत्रकार समाज आए हो, तो हम दिनों के बारे में थोड़ा सा आपको बताना चाहेंगे। हम जब पढ़ा करते थे तो सभी धर्म जात मजहब के लोग एक साथ थे राजस्थान में, तो दिनों के बारे में बड़ी चर्चा होती थी। एक सज्जन कहने लगे, एक यूथ कहने लगा, मंगल को काम नहीं करते। हमने कहा क्यों? कहते मंगल लगावे संगल, सांकल लगा लेता हिलने नहीं देता। दूसरा साथ वाला कहता हमारे समाज में कुछ और कहते हैं, क्या मंगल में काम, मंगल मंगल में होता है। हमने कहा ठीक है, तो हमने कहा बुद्ध, एक कहता नहीं बुद्ध भी गलत होता है हमारे समाज में, क्या बुद्ध लगाए युद्ध। हमने कहा अच्छा, दूसरे कहते नहीं हमारे सही होता है, हमारे कहते बुद्ध काम शुद्ध। हमने कहा आपके हिसाब से, बैठे बैठे सातों दिन का क्रियाक्रम कर दिया वहां। हमने कहा आपके हिसाब से अगर देखें तो चद्दर लेके सो जाते, क्योंकि दिन तो सारे खराब हो ही गए, ना पढ़ने की जरूरत ना खेलने की जरूरत। तो तिथ बार ना जोगी जाने, रुत माह ना कोए, जा करता सृष्टि को साजे, आप जाने सोए। हिंदू धर्म कहता है हिम्मत करे अगर इंसान तो सहायता करे भगवान, हिम्मते मर्दा मत दे खुदा। दिन कभी आड़े नहीं आते, आप हिम्मत कीजिए, भगवान आपकी मदद करेंगे, यही हकीकत है। अगर आप सोते रहेंगे तो भगवान नींद और दे सकते हैं, और क्या मदद करेंगे। तो आप वर्क कीजिए, हार्ड वर्क कीजिए, तो यही सच्चाई है। हम किसी दिन को ऐसा मानते ही नहीं है कि कोई दिन बुरा होता है, ये तो इंसान की बनाई हुई चीजें हैं। सो गुरुजी, इधर प्रोमोस जो हमने देखे हैं, आप देशभक्ति की बात कर रहे हैं, आतंकवाद के खिलाफ बात कर रहे हैं, जो सीक्वल बना रहे हैं आप, उसमें कुछ रोशनी डाल सकते हैं? उसमें आप किन मुद्दों को उठाने वाले, क्योंकि जैसा कि कहा गया है कि उसमें भी कुछ रियल फैक्ट्स दिखाए जाएंगे? तो हमने बेटा जो शुरुआत फिल्म की वो ड्रग माफिया से की है, कि कैसे ड्रग माफिया इंडिया में ड्रग को सप्लाई करता है, हम उसे रोकने गए। रियलिटी है, ये रियल स्टोरी है, वो भी हमने अभी इस सीन में नहीं लेके आए, अगली फिल्म में लाएंगे कैसे हुआ था वो। पर वैसे आपको बता देते कि उसमें 2 kg RDX बॉम्ब हम पे अटैक हुआ था, और रोड के अंदर 2.5 फुट गहरा खड्डा हो गया था, पर हमारी गाड़ी से अगली गाड़ी पे वो अटैक हुआ, और गाड़ी का जो इंजन था वो 100 फिट ऊपर गया। 500 kg का इंजन, 5 क्विंटल का, लगभग 100 फिट, और साइंस कहती है जो चीज ऐसे जाएगी तो वो ऐसे आएगी, इतनी भारी। लेकिन हम आप सबके सामने कसम खा के कहते हैं, वहां किसी से पूछ लो कितने लोग थे, सैकड़ों लोग इकट्ठे हो गए थे धमाके के बाद, वो इंजन वहां से 30 फिट दूर जाके गिरा। अगर वो वापस गाड़ी पे गिरता तो कचरा कचरा हो जाता और एक भी आदमी ना बचता, और जो अंदर आदमी बैठे थे उनके हल्के से शीशे की खरोंच कहीं कहीं आई, किसी का बाड़ बांका नहीं हुआ, वो सारे बाहर निकल आए। तो ये ऐसी चीजें हुई। तो वो ड्रग माफिया अटैक करता है हम पे जगह जगह, कई जगह पे उसने राइफलों से, कई जगह कैसे, कई जगह कैसे। तो वो स्टोरी इसमें लेके आ रहे हैं जो कि रियलिटी में है, और बहुत सारी चीजें हैं इसमें, जैसे वेश्यावृत्ति को, जो लड़कियों को धकेला जाता है, तो हम उन्हें बेटियां बनाए, 17 बेटियां हम बना चुके हैं, 17 की शादी हो चुकी है, कईयों के बच्चे थे जिन्हें लोग नजायज कह देते हैं वो बच्चे, लेकिन हमारे सब 1500 नौजवान हैं जिन्होंने एफिडेविट भरे, फॉरनर हैं, इंडियन हैं, सब लोग।
कि उनसे हम मैरिज करवाएंगे, और वो 17 मैरिज हुई। और आपको बताते हुए हमें इतनी खुशी होती है कि हमारी उन बेटियों के आगे बच्चे भी हो गए, और उनका नाम हमने वैशाली शुभ देवी रखा था। जिन घरों में गए साइकिल से, उनके घरों में कारें आ गई, इतना शुभ उनके लिए हुआ। भगवान ने किया, हमने कुछ नहीं किया। तो एक बेटी की स्टोरी इसमें हम लेके आ रहे हैं कि कैसे उसके माँ बाप ने उसको बेच दिया था और कैसे उसके साथ क्या क्या हुआ, तो वो चीज भी लेके आ रहे हैं। कि तो ऐसे बहुत से रियल चीजें इसमें हैं, लेकिन कर्म जोगी बन के ही हम ज्यादातर कर रहे हैं। लास्ट में जो सीन है डबिंग जिन्होंने की या कलर ग्रेडिंग की, जो डायरेक्टर साहब थे हमारे जीतू, उन्होंने बोला गुरुजी मैं तो रोया तब भी जब आपने डायलॉग बोले थे, लेकिन जब जिन्होंने भी कलर ग्रेडिंग की और जिन्होंने भी डबिंग किया है वो सब लोग रोए हैं कि वो इतने इमोशनल हैं कि कहने से परे हैं। और एक सॉन्ग इसमें हमारी बेटी ने गाया हमारे साथ, पापा दी ग्रेट, तो वो सॉन्ग भी बहुत ज्यादा इमोशनल है। जो भी वहां लोग थे वो इतने रोए थे उस रात को कि हमें सब कुछ छोड़ के, सब कुछ करा के, माइक लेके ऊपर खड़े होके बंद कराना पड़ा कि बेटा रो ना, सीन खत्म हो गया। वो कहते सीन के लिए नहीं रो रहे, हमें अपनी बेटियां याद आ गई, हम उसलिए रोए जा रहे हैं। रोए ही जा रहे थे, कम से कम 5,000 लोग एक घंटा रोते रहे, बड़ी मुश्किल से उनको चुप कराया था। तो ऐसी ऐसी चीजें हम रियलिटी में लेके आ रहे हैं बेटा। बाबा जी आपने अभी जो हकीकत बताई उसमें आपने आपके ऊपर जो अटैक हुआ था उसके बारे में कहा, मगर कहते हो आपने ये कहा क्या वो जो नहीं, हम तो एक इंसान है, हमारी कोई दैवीय शक्ति नहीं है। सब जितनी भी शक्ति है, जो लोग कहते भगवान नहीं होता, हम कहते ये है भगवान की शक्ति। वो जिसे चाहे तो वो पहाड़ों में भी जिंदगी दे जा सकता है, और जिसे चाहे तो साइकिल पे जाते को भी वापस बुला सकता है। ये उसकी पावर है, हमारी कोई पावर नहीं बेटा इसमें। ना हम कभी किसी को गाते हैं, भगवान करते हैं, करते थे और करते रहेंगे। ऐसे चमत्कार तो वो कर सकते हैं, फकीर नहीं। गुरु जी इसके साथ द प्रेस कॉन्फ्रेंस कम्स टू अ क्लोज। पुणे का देख लें और फिर उसके अकॉर्डिंग गए थे, तो एक घंटे में आश्रम पहुंच गए थे। आश्रम में बहुत पहले से, यहाँ बहुत पहले से, तो अब आए हैं तो हमें 1.5 घंटा लग गया, तो ट्रैफिक इतना ज्यादा था, तो शायद आपके पास हम कम से कम 1.5 घंटा लेट आए। तो जी इसलिए पूना में प्रोग्राम है और वो कह रहे हैं उसके बाद प्रेस चली जाती है, तो हम कल को भी यहीं आएंगे। आप यहाँ अगर आपकी प्रार्थना है, अगर आप बुरा ना माने तो बाकी जी। सो हम्बल रिक्वेस्ट, 1-on-1 कल ऑर्गेनाइज हो जाएगा, तो जिसका भी है आप यू कैन कोऑर्डिनेट विद मी और विद माय कोलीग्स पवन जी ऑन द फोन, एंड इट विल बी ड्यूली डन टुमारो। आई वेरी हम्बली अपोलोजाइज फॉर दिस चेंज ऑफ शेड्यूल जी। और सबको बहुत आशीर्वाद, गॉड ब्लेस यू ऑल। Thank you.